लेकिन हमको शांत जगह अच्छा लगता है, तो फिर चलो चलते हैं। लगता है आज दिन खराब है और फिर से चैन गिर गया। यहाँ पे जैसे ये देखते हैं, व्यू देख सकते हैं, सूरज थोड़ा सा निकला है वो दिख रहा है। और चलो दोस्तों साइकिल लेकर चलते हैं फिलहाल, थोड़ा गाड़ी आ रहा है यार। सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ। कैसा है वो पिक्चर को जरूर देखना, अगर जो जो नहीं देखा है वो पिक्चर देख के ना अच्छा लगेगा, मतलब दिल का फीलिंग्स मतलब जान जाएगा, जानवर उनवर सबके बारे में। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक माय YouTube चैनल हंटर ब्लॉग, और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज और एक नए ब्लॉग बनाने निकला हूँ, सोच के कुछ नहीं निकला हूँ, ऐसे मतलब निकल गया। तो आज KTM लेके निकला हूँ अपना, तो चलो फिर चलता हूँ। अरे ब्लॉग शुरुआत करने से पहले एक चैन गिर गया साइकिल का, ब्लॉग की शुरुआत में ऐसा हो गया है, क्या पता आगे क्या होता है, जानने के लिए ब्लॉग के साथ जुड़े रहे। जल्दी से चैन ठीक करते हैं फिर मिलते हैं। तो बस चैन गिर गया है, अरे चैन लूज है, हम भी नहीं बनाया है इसको, बनाना चाहिए था लेकिन अब तो उतना ध्यान नहीं दिया इसमें, तो अच्छे फिलहाल ठीक हो गया। तो चलो फिर चलते हैं। तो गैस मैं क्या बोल रहा था, तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ अपने, तो मेरा इलाका गाँव, घर तो गाँव में है, तो गाँव में तो सन्नाटा होता ही है, तो देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होगा अभी भी, और बस्ती इलाका है, लेकिन हमको शांत जगह अच्छा लगता है, तो फिर चलो चलते हैं। लगता है आज दिन खराब है और फिर से चैन गिर गया। तो गाइस ये जैसे कि मेरा गांव का व्यू है, देख सकते हैं सूरज भी नहीं दिख रहा है, बादल से ढक के। तो फिलहाल मुझको लग रहा है, क्या बोलो तो मेरा चैन ये और गिरेगा, क्योंकि चैन बहुत लूज है, हम चेक भी नहीं किया। चलो जाते हैं, कितना दूर जाएगा और गिरेगा और बनेगा क्या है ना। शाबाश बेटा, ये नदी का नाम है कालकुट नदी, जो कि बहुत पानी कम रहता है, बरसात के दिन में ज़्यादा रहता है। और ये मजरेबी का टी गार्डन है। क्या बोलते हैं, आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन क्या बोलते हैं यहाँ पे मार्केट लगता है, बाजार, छोटा सा बाजार लगता है, हम आता है कभी कभी आता है, लेकिन आज हमको पता नहीं था कि आज शुक्रवार है और यहाँ बाजार लग रहा है। यहाँ देखो नदी किनारे बाजार लगता है छोटा सा। एकदम छोटा सा बाजार है। तो हम लोग NH 31 पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा। अरे भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे ये देखते हैं, व्यू देख सकते हैं, सूरज थोड़ा सा निकला है वो दिख रहा है, और यहाँ पे रोड, और ये क्या है पता है, मतलब ये कचरा फेंकने के लिए बनाया गया है, डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं, जो कि इसके पीछे भी कहानी है, बातें बताऊंगा अभी थोड़ा। तो यहाँ का व्यू देख, अभी यहाँ से कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं, शांत जगह ढूंढने आया था, लेकिन मतलब आज मार्केट है ना, तो मतलब आदमी उदमी भी है इधर, तो क्या करेगा, दिखता है कहाँ जाता है। जैसे कि मैं अभी कालकुट ब्रिज में आ चुका हूँ फिलहाल, ये जो इधर जो दिख रहा है उधर, मतलब क्या सिक्किया जोड़ा उक्किया जोड़ा सब है, और ये जो पीछे तरफ जो है ना, क्या बोलेगा, ये नदी कालकुट नदी बोलते हैं, अभी कालकुट ब्रिज है, और इतना गाड़ी आ रहा है ना पीछे देख सकते हैं, इसीलिए हाईवे में जब भी पार हो ना तो देख के पार होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर में है ना, तो सेफ है थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत 70%। तो चलो दोस्तों साइकिल लेकर चलते हैं फिलहाल, थोड़ा उधर घूम के आते हैं फिर चले जाएंगे घर। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, मतलब वहाँ पर सूरज कैमरा में उतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन देखने के लिए आँख से देखने के लिए अच्छा लग रहा है वो। तो गाइस सूरज को जैसे देख सकते हैं, इतना रोशनी नहीं है, मौसम बारिश होगा जैसा लग रहा है, क्या पता बारिश होगा कि नहीं होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा ना। एक
गाड़ी आ रही है यार, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। ये लाइन ट्रैक क्या बोलते हैं जब बाइक चलता है ना, बाइक को हिला देते हैं, तो ये साइकिल किस खेत की मूली है। ब्रेक मेरा साइकिल में कम है, एक साइड ही ब्रेक है लाल, तो पीछे तरफ कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से राइट टर्न मारते हैं। अभी सन्नाटा लगेगा क्योंकि हाईरोड से नीचे उतरा ना, हाईवे से हाईरोड बचपन में बोल देते हैं, हाईवे ही हाईरोड तो ही हाईवे। तो यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे। और ये जो डंपिंग ग्राउंड बना है ना, मतलब इतना बहुत साल से पहले से बन रहा है, मतलब यहाँ पे कचरा फेंकेंगे, मतलब जितना अलीपुर का कचरा उचरा आएगा वो यहाँ पे फेंकेंगे। तो जब ये बन रहा था तो उस टाइम एक्चुअली हुआ क्या बोलो तो, एक्चुअली हुआ क्या, आसपास का आदमी से आवाज़ उठाया, मतलब रुको एक मिनट गाना बंद कर लेता हूँ, गाना हमको ना अभी इरिटेट कर रहा है। ये जो डंपिंग ग्राउंड है, जब ये बनने वाला था तो इस यहाँ पे आसपास का आदमी सब आवाज़ उठाया, हाँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों ये गवर्नमेंट का ये कुछ हो गया था शायद रूल्स के हिसाब से, तो मतलब जो जो आवाज़ उठाया था वो लोग को जेल हो गया। अगर यार किसी के घर के सामने, क्या बोलते हैं, किसी का घर के सामने कोई कचरा फेंकने वाला बनेगा तो किसको अच्छा लगेगा, बोलो। उसी टाइप का है, मतलब यहाँ पे भी तो वो लोग के, मतलब ये लोग का जो गांव का इंसान लोग है, मतलब ये यहाँ पे आके सारा कचरा फेंकेगा तो ये लोग का अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसी के कारण से आवाज़ उठाए। लेकिन आवाज़ उठाने के कुछ, आवाज़ उठाए कुछ लाभ नहीं हुआ, मतलब जो आवाज़ उठाया था लेडीज वेडीज, मतलब वो लोग को भी मतलब जेल लिया गया कुछ मंथ के लिए, छोड़ दिया गया। कचरा भी तो इंसान लोग बहुत फैलाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने फैलाया हूँ, मैं भी फैला रहा हूँ कचरा, लेकिन अभी मतलब थोड़ा समझ में आया ना, उस टाइम से मैं कचरा कम से कम फैलाने का कोशिश करता हूँ। और बहुत तो ऐसे ऐसे इंसान लोग हैं, मतलब कि क्या बोलेगा, वो लोग तो इतना कुछ करते हैं ना नेचर के लिए, वो लोग के लिए दिल से सलूट है यार। तो यहाँ का व्यू जैसे देख सकते हैं, ये डंपिंग ग्राउंड है, और इधर जो ये नदी है, यहाँ से व्यू देखो भाई लोग, तो पहले व्यू का नज़ारा लो, और ये बात जो बोल रहा था मैं उसको बाद में करता हूँ, पूरा करता हूँ। तो गाइस यहाँ का जैसे कि व्यू देख सकते हैं कितना, एक साइड बगान है, फिर यहाँ पे नदी है, यहाँ पे कितना शांति है, शांति में मतलब क्या बोलते हैं, सब इंसान ना क्या बोलते हैं, शांत जगह जाना चाहता है, साफ़ सुथरा जगह जाना चाहता है, हाँ, लेकिन खुद का जगह को कभी साफ नहीं करता है, खुद का जगह गंदा करके दूसरा का साफ जगह में जाके वो जगह को गंदा करता है, इंसान लोग का ये फितरत है, दिखा है हमको जगह। और क्या बोलना, और मतलब कुछ नहीं बोलना है, ऐसे मैं यहाँ पे घूमने आया था, तो यहाँ पे मैं कम से कम आधा घंटा जैसे रुकूँगा, थोड़ा सा चिल करूँगा, गाना सुनूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा घर। तो उस टाइम वो लोग का आवाज़ उठाए कुछ लाभ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे बन ही गया। लेकिन एक तो आप लोग खुद सोचिए, मतलब कचरा उचरा फैलाएँगे कोई और किसी और घर के सामने जाके फेंकेंगे तो वो लोग को कितना बुरा लगेगा, वही चीज़ हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सके सरकार के आगे झुक के। और इतने पावरफुल लोग भी तो नहीं थे जो कि रोक सकते थे उस टाइम। अब कचरा फैलाना है तो कचरा को तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कचरा जो आएगा ना, मतलब वो डिस्ट्रॉय होगा कि क्या होगा उतना हमको नहीं पता, या जमेगा ही। अब कचरा फैला तो बीमारी वमारी भी हो सकता है, अब क्या होता है वो पता नहीं, अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया गया है, स्टार्ट होगा तो गंद करता है नहीं करता है वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये सब बात को छोड़ो, मैं किसी को मतलब भरा बुरा बोलना नहीं चाहता था, बोल दिया वो सब वीडियो, मतलब माइंड मत लेना, किसी के मैं साथ में नहीं हूँ, किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, मतलब कचरा जो करते हैं उसको तो मतलब नष्ट करना भी चाहिए। और अभी का जैसे हालत है हम लोग का, इंसान लोग इतना गंदगी फैलाता है, रियलिटी है। नदी देखो, नदी भी मतलब कुछ साल के बाद अभी इतना क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि ये जंगल से आ रहा है, तो जंगल से आ रहा है इसलिए मतलब कि साफ है। अगर यही उधर शहर तरफ जाते जाते यही नदी में पूरा मतलब
नाला का पानी, कहाँ का पानी, ड्रेन सबका पानी सब यहाँ पे मिल जाएगा, उधर का नदी गंदा हो जाएगा। और हम लोग एक चीज़ बोल रहा था, हम लोग जैसे कि प्रकृति को इतना नष्ट कर चुके हैं ना, तो अब जितना बचा है उसको बचाने का कोशिश, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हैं सबके, अगर थोड़ा सा भी किया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ज़्यादा दिन तक ये बचने वाला नहीं है, देख के हमको ऐसे लगता है। छोटी मुँह बड़ी बात बोल दिया, अगर मेरा बाद में थोड़ा भी अच्छा लगा, बुरा लगा तो कमेंट कर सकता है, गलत बोला तो। ऐसे मैं घूमने आया था, लेकिन ये इसको डंपिंग ग्राउंड के बारे में क्या कुछ बोल दिया, बोलना नहीं चाहता था। तो गाइस और एक चीज़ बोलना चाहता है मैं, जैसे कि कार्टून वाला मूवी देखा था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो, क्या बोला, दिल्ली सफारी, मतलब मैं तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ ना, बच्चों लोग जो कार्टून देखता है ना वो बड़ा लोग को भी देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी ना सीखने के लिए बहुत चीज़ होता है, मतलब वो लोग का जो देखते हैं ना कार्टून टर्न में कहानी रहता है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक पिक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा, और जो जो देखा है वो कमेंट करना है, वो पिक्चर का नाम तो मतलब क्या, दिल्ली सफारी ना कुछ ऐसा कुछ का नाम रहेगा, हम दे देगा इस स्क्रीन में उसका पोस्टर, लिंक उनका तो पता नहीं लेकिन पोस्टर दे देगा कैसा है, वो पिक्चर को ज़रूर देखना। अगर जो जो नहीं देखा है वो पिक्चर देख के ना अच्छा लगेगा, मतलब दिल का फीलिंग्स मतलब जान जाएगा, जानवर उनवर सब के बारे में, और मतलब जान क्या मतलब पेड़ पौधा कितना ज़रूरी है वो सब के बारे में जान जाएगा। सच में यार ये पिक्चर ज़रूर देखना, मैं बोल रहा अगर मेरा वीडियो देखता है कोई तो ये पिक्चर ज़रूर देखना, तुम लोग को अच्छा लगेगा हमको पता है, अगर अच्छा नहीं लगा तो आगे कमेंट कर सकता है। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे मतलब बैठ चुका हूँ, आधा घंटा ऐसा हो गया, और गाना वाना सुन लिया, और यहाँ का व्यू जैसे देख सकते हैं ना, मज़ा आ गया, मूड फ्रेश हो गया। तो अभी हम घर के लिए निकल ही जाएगा, और मतलब अभी हम वीडियो और शूट नहीं करेगा, मेरा हो गया आज के लिए। और इधर पेड़ भी देख लो, देखो अच्छा लग रहा है पीछे तरफ, और वीडियो कैसा लगा जरा बता देना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ तब तक के लिए बाय। और पीछे मेरा KTM खड़ा है, जो कि मतलब कभी कभी आदमी को ना साइकिल में भी घूमना चाहिए, और अकेले भी रहना चाहिए, अकेले रह के कुछ नेचर का भी मजा लेना चाहिए मेरे जैसा। टाटा बाय, मिलता हूँ।